good morning class second hope all you are doing well at your home it's your english class time and we will start your third chapter that is the dream Ek sapna open page number 24 beta yeah here is your third chapter the dream dream matlab sapna once there was a priest एक समय एक पुजारी था प्रीस्ट को पुजारी या पंडित भी कहा जाता है बेटा वंस देर वॉज अ प्रीस्ट ही वॉज वेरी ही वॉज़ पुअर वह गरीब था पुअर मतलब गरीब ही वॉज ऑल्सो लेजी वह आलसी भी था लेजी मीन्स आलसी एंड डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क और वह काम भी नहीं करना चाहता था तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि एक पुजारी था जो बहुत गरीब था जो लेकिन वो आलसी भी था और काम भी नहीं करना चाहता था बट ही वॉन्टिड टू गेट रिच लेकिन वह अमीर बनना चाहता था ही गॉट हिज फूड बाय बैगिंग इन द विलेज वह अपने लिए खाना जो भीख मांगकर इकट्ठा करता था गांव में से अभी तक हमने एक पुजारी के बारे में पढ़ा जो बहुत गरीब था आलसी था काम भी नहीं करना चाहता था और लेकिन बहुत अमीर बनना चाहता था और इवन अपने खाने के लिए जो खाना इकट्ठा करता था वो भी गांव में से भीख मांगकर इकट्ठा करता था वन डे समन गेव द प्रीस्ट अ पोट ऑफ मिल्क एक दिन किसी ने उस पुजारी को एक दूध का मटका दे दिया अ पॉट ऑफ मिल्क एक दूध का मटका दे दिया उस पुजारी को ही वॉज हैप्पी एंड हरेड बैक होम वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से घर पर आ गया ही वॉज हैप्पी वो बहुत वह बहुत खुश हुआ कि उसे एक दूध का मटका मिला था वह जल्दी, जल्दी जल्दी घर आया ही हंग अप दोर्ट एंड ले डाउन टू रेस्ट उसने क्या किया मटके को टांग दिया और खुद जो था वो सो गया वो रेस्ट करने के लिए लेट गया आप देख सकते हो ना इमेज में साइड में मटका लटक रहा है रस्सियों के सहारे से एज़ ही आई हिज आइज़ क्लोज जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी ही ड्रीम उसने एक सपना देखना शुरू किया ही ड्रीम दैट ही वुड मेक बटर फ्रॉम द मिल्क वो सपना देखता है कि वो दूध से मक्खन बना रहा है कि बटर बना रहा है मिल्क से देन ही वुड हीट इट टू गेट घी फिर वह उस मक्खन को गर्म करके उससे घी बना रहा है हम घर हमारी मम्मा मम्मा घर में ऐसे करते हैं ना हम अक्सर जो है मिल्क से पहले बटर बनाते हैं फिर उस बटर को जब हीट करते हैं तो उससे घी बन जाता है तो वो भी एक ऐसा ही सपना देखता है कि पहले वो उस मिल्क से बटर बनाता है और फिर बटर को हीट करके उससे घी बनाता है ही वुड सेल द घी एंड गेट अ लॉट ऑफ मनी और फिर वो अपने सपने में देखता है कि वह उस घी को बेच देता है और उससे उससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं ही गेट अ लॉट ऑफ मनी उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं विथ दैट मनी ही वुड बाय अन उस पैसों से वह मुर्गी खरीदता है जो पैसे उसने मिल्क से बटर बटर से घी बना के और घी को बेच के कमाए थे अब वो उन पैसों से मुर्गी खरीदता है ये सब उसका सपना है ये रियल में नहीं और अब वो सपने में देख रहा है ये सब कुछ द हैन वुड ले एग्स एंड देयर वुड बी मोर कोक्स एंड हैंस फिर वो सपने में देखता है कि मुर्गी जो है वो अंडे देती है और उन अंडों से और मुर्गियाँ और जो कॉक्स हैं वो पैदा होते हैं The hens would lay hundreds of egg and soon he would have a poultry farm. वो देखता है कि धीरे धीरे murghiyan बहुत सारे अंडे दे रही hai उससे और ज़्यादा मुर्गियों के बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो अपना एक poultry farm बना लेता है poultry farm का क क्या जगह होती है एक ऐसा फार्म होता है जब बर्ड्स को कैप्ट किया जाता है उनसे एग्ज़ लेने के लिए और उनका मीट यूज़ करने के लिए तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स कैप्ट फॉर एग्ज एंड मीट इज़ कॉल्ड पोल्ट्री फॉर्म तो वो देखता है कि इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ हो जाती हैं कि उसका अपना पोल्ट्री फॉर्म बन जाता है हिज ड्रीम कॉन्टीन्यूड और उसका सपना जो है वो इसी प्रकार चलता रहता है ही वुड सेल द हैंड्स एंड बाय काउस अब वो क्या करता है सपने में सारी मुर्गियाँ जो है बेच देता है और उन पैसों से गाय खरीद लेता है ही सेल द हैंड्स एंड बाय काउस मुर्गियाँ बेच दी और गाय खरीद ली देयर वुड बी अ डेरी फार्म फिर वो एक डेरी फार्म के सपने देखने लगता है डेयरी फार्म क्या होता है बेटा अ फार्मर काउज आर प्रोड्यूस मिल्क जहाँ काउस को रखा जाता है उनसे मिल्क प्रोड्यूस करवाने के लिए तो वो फिर क्या करता है कि मुर्गियाँ बेच के काउस खरीदता है और एक डेयरी फार्म के सपने देखने लगता है ही वुड सेल ऑल द मिल्क एंड बिकम वेरी रिच फिर वो सपने में देखता है कि वो इतना सारा दूध जो है वो रोज बेचता है और इतने पैसे कमाते हैं कि वो बहुत अमीर हो जाता है ही वुड सेल ऑल द मिल्क एंड बिकम वेरी रिच सारा दूध बेच के बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है देन ही वुड बाई ज्वेल्स फिर वो ज्वेलरीज खरीदने लगते हैं ज्वेल्स खरीदने लगता है द किंग वुड बाई हिज ज्वेल्स एंड गिव हिम अ लॉट ऑफ मनी और फिर वो देखता है कि जो उसने ज्ल्स खरीदे हैं वो सारा जो है वो राजा खरीद लेता है उससे और उससे बदले में बहुत सारे पैसे दे देता है न ही वुड बिकम द रिचेस्ट मैन इन द लैंड और इस तरीके से वो उस जगह का सबसे अमीर इंसान बन जाता है he would marry a beautiful girl और फिर वो क्या करता है जब उसके पास इतना सारा पैसा आ जाता है वो उस लैंड का सबसे अमीर आदमी बन जाता है तो वो एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी कर लेता है ये सब सपना है उसका अभी तक वो सपने में देख रहा है सब कुछ देन ही वुड मैरी अ ब्यूटिफुल गर्ल वो अमीर बनने के बाद एक सुंदर सी लड़की से शादी कर लेता है दे वुड हैव हैंडसम सन और सपने में ही वो देखता है कि उसके घर में एक बहुत सुंदर सा बेटा पैदा होता है और वो ये भी सोचता है कि इफ़ द सन वॉज नाट द प्रीस्ट वुड बीट हिम विद द स्टिक वो सोचता है कि अगर उसका बच्चा जो है जो बेटा उसको पैदा होता है सपने में वो शरारती है और जो प्रीस्ट है जो पुजारी है वो उसको डंडे से उसकी जो है पिटाई कर रहा है इन इज ड्रीम ही पिक अप द स्टिक टू हिट द बॉय वह अपने सपने में डंडा उठाता है अपने लड़के को मारने के लिए बट इट वॉज अ रियल स्टिक लेकिन वो एक्चुअल में एक सच्ची की स्टिक होती है जो उसके पास में ही पड़ी होती है एंड इट हिट द पोट और वो लड़के को मारने की बजाय अपने वो दूध वाले मटके पे मार देता है जो हमने पीछे वाली इमेज में देखा था ना यहाँ देखो इधर एक मटका जो टंग रहा है वो सपने में वो लाठी उठा के उस मटके के ऊपर मार देता है इट वॉज अ रियल स्टिक एंड इट हिट द पोर्ट अभी तक वो सपना देख रहा था लेकिन वो सपने सपने में सच्ची में स्टिक उठाता है और अपने मटके के ऊपर जो है वो मार देता है दोट ब्रॉक इन टू टाइनी पीसीज उसकी वजह से जो मटका था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ऑल द मिल्क वॉज स्प्लिट सारा का सारा दूध बिखर जाता है द प्रीस्ट वॉकअप फ्रॉम हि स्लीप और पुजारी एकदम से अपनी जाग से उठता है अपनी नींद से उठता है जागता है ही रियलाइज डैट ही हैड फॉल ए स्लीप वाइल्ड डे ड्रीमिंग और वह देख सोच फिर उसे एहसास होता है कि वह दिन में सपने देखते देखते ही सो गया था और उसी सपने के कारण उसने उस डंडे से अपने ही दूध के उस मटके को तोड़ लिया जिसके साथ उसने कितने सारे सपने सजाए थे कि इस मटके से पहले मैं बटर बनाऊंगा मिल्क से फिर उसका घी बनाऊंगा फिर उसको सेल करूँगा फिर मैं उससे एक मुर्गी खरीदूँगा मुर्गी और अंडे देगी उससे मैं पोल्ट्री फार्म बनाऊँगा मैं पोल्ट्री फार्म को बेच के गाय खरीद लूँगा मैं अपना डेयरी फार्म बनाऊँगा गायों का दूध बेचूँगा उसके बाद मैं उन गायों को भी जब बेच दूंगा तो बहुत अमीर हो जाऊँगा फिर मैं ज्वेलरी खरीदूंगा फिर मैं राजा को वो ज्वेलरी बेचूंगा और फिर जब राजा मुझे बहुत सारे पैसे दे देंगे तो मैं एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लूँगा शादी करके जब मेरा बेटा होगा तो जब वो अगर शरारत करेगा तो मैं उसे मारूंगा तो वो मारते वक्त वो एक्चुअल में डंडा उठा लेता और अपने मिल्क पोड पे मार देता है तो इट्स अ ड्रीम देखो कैसा एक सपना था उसने सपने में क्या क्या किया और हकीकत में उसके साथ क्या हो गया है ना सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टोरी टूडेज लेक्चर वी रीड द स्टोरी द ड्रीम तो आज के लेक्चर में यही था कि आपने एक स्टोरी पढ़ी ठीक है बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नई स्टोरी पढ़ेंगे ओके थैंक यू